नमस्कार। 2 दिन से थोड़ा बुखार था, गले में थोड़ी खराश थी। इतवार को थोड़ा बुखार होना शुरू हुआ तो सबने सुझाव दिया कि कोरोना का वक्त चल रहा है और यही सिम्टम्स होते हैं कि कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस दौरान आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा और ऊपर वाले की कृपा से टेस्ट नेगेटिव आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजे। मैं अपने घर में ही एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए पिछले 2 दिन से देख रहा था। मेरा शरीर तो यहाँ था लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम करने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे, LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1,00,000 केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2,25,000 केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आप को, हमें सबको कोरोना से बचाना है। इसे अब जन आंदोलन बनाना है। 3 बातों को, हमें मास्क पहन के घर से निकलना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी तक हम कहते थे कि हमें करना है, अब हमें ये भी करना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई साहब आप भी कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा तो उसकी वजह से दूसरों को फैल सकता है, उसकी वजह से कोरोना दूसरों को हो सकता है। तो इसे अब जन आंदोलन अपने को बनाना है, सबको खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। जैसे ऑड इवन में हमने जन आंदोलन किया था ना, ऑड इवन में हम भी करते थे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो गाड़ी रोक के शीशा नीचे करके उसको कहते थे कि भाई साहब घर चले जाओ, आपका व्हीकल आज ऑड है या इवन है, ये ठीक नहीं है। ऐसे इसको भी अपने आप को जन आंदोलन बनाना है। अपने को, अपने स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है। जितना इसको फॉलो करेंगे उतना चांसेस कम हैं
कि आपको करोना होगा। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती, एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया, ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, अभूतपूर्व चुनौती है। जैसा मैंने कहा, 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली वालों के लिए, 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से कितने लोगों के आने की उम्मीद है? मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूँगा कल से परसों से, मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा, मैं खुद जा के स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियाँ रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नज़र नहीं आएगी। मैं पड़ोसी राज्यों से भी, वहाँ की सरकारों से भी निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वहाँ समुचित व्यवस्था करें अपने अपने बेड्स के लिए और मरीजों के लिए। कर भी रहे होंगे, मैं किसी को दोष नहीं निकालना चाहता, कर भी रहे होंगे ताकि कम से कम लोगों को दिल्ली आने की ज़रूरत पड़े।
इस दौरान मैं देख रहा था कि मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मीडिया को सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं मीडिया को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारी जो जो कमियाँ रह जाती हैं, आप रोज़ हमारी कमियाँ बताते हैं और वो कमियाँ हमें सीखने का एक मौका देती हैं। आपने हमारे ऐप में इतनी सारी कमियाँ बताई, उन कमियों को पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने काफ़ी दूर किया है। अभी भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। काफ़ी कमियों को ऐप में दूर किया, लेकिन अभी भी जो कमियाँ हमें ज़रूर बताइएगा। मैं देखता हूँ कि लगभग हर चैनल पे कुछ पेशेंट्स को या पेशेंट्स के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो किस तरह से बताते हैं कि कई अस्पतालों में गए, मैं पहले इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मुझे इलाज नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि टोटल कितने, 10, 12, 15 चैनल होंगे। उन 15 चैनलों पे 15 या 20 केसेस बताए जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे, उससे कहीं ज़्यादा है। केवल 15-20 लोग नहीं है जो टीवी पे आए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले एक हफ्ते में, एग्जैक्टली 8 दिन में, दिल्ली के अस्पतालों में 1900 लोगों का एडमिशन हुआ, 1900 लोगों को बेड मिले हैं दिल्ली के अस्पतालों में, और आज 4200 बेड अभी खाली हैं। लेकिन ये 4200 बेड मोस्टली सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, प्राइवेट के मोस्टली भर गए हैं। उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों में 1900 लोगों को बेड मिले। लेकिन एक तरफ जहां 1900 लोगों को बेड मिले, वहीं कम से कम 150-200 लोगों को बेड के लिए धक्के भी खाने पड़े। तो जब टीवी चैनलों के ऊपर एक एक केस बताया जाता है, मेरी टीम एक एक केस पे गौर करती है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि उसको हम उस व्यक्ति को हम उसकी विपदा दूर कर सकें, और दूसरी तरफ उसे तकलीफ क्यों हुई, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी, उस कमी को सीख के उस सिस्टम की कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले और किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में। और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है, काफ़ी कुछ काम हुआ भी है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आपको स्टोरी ना दिखा पाए, कहीं कोई कमी नजर आए, तो फोन कर देना, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूँ आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है, वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें इस टाइम एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा आई है। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। अगर हम आपस में लड़े, कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम एकजुट हो गए, हम कोरोना को हरा लेंगे। शुक्रिया।